In this question, if the point 1, 2 and y lies on the line segment joining the point this and this, then find the ratio in which P divides AB and also find the value of y. Okay, P divides AB, then find the ratio in which P divides AB. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि अपने पास ए के और बी के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे मेरे पास ए वाला पॉइंट हो गया बच्चों यहाँ पर 3, -5, ये 3, -5 हो गया, और ये मेरे पास बी का पॉइंट हो गया अपने पास माइनस का 7, 9। फिर उसने बोला पॉइंट दिस लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, देन फाइंड द रेशियो इन विच पी डिवाइड्स ए बी। पी जो है वो ए बी को डिवाइड्स कर रहा है, किस रेशियो में ये बताना है अपने को। तो मैंने मान लिया कि ये λ:1 के रेशियो में इसे डिवाइड करता है, क्लियर। ये जो पी है वो ए बी को λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अपने पास यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों वो कितने आ जाएंगे अपने पास, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे अपने पास, बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, माइनस का 7λ प्लस का 3 upon λ+1 कॉमा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9λ plus माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस का 5 upon λ+1, क्लियर। ये आगे अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने को पी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, पी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1/2 एंड वाई, क्लियर। तो इन क्वेश्चन पी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, पी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 1/2, y, क्लियर। तो 1/2, y हमें इस क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं पी के, तो इसका मतलब माइनस का 7λ+3 upon λ+1 इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस का 14λ+6 इज इक्वल टू λ+1 हो गया। नाउ ये उधर चला गया है तो 15λ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, देन लेमडा इज इक्वल टू 1/3। तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, वो रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है, ठीक है ना। रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास, 1/3 आ जाएगा भाई, ओके। तो P divides AB in 1:2, P divides AB in 1:3 ratio, 1:3 ratio internally, okay, 1:3 ratio internally, okay भाई, ये से internally 1:3 के ratio में divide करेगा, okay, ये आपको दिख नहीं रहा क्या, 1:3 ratio internally, क्लियर। 1:3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा। अब नाउ अपने को फाइंड करना है y की वैल्यू कितनी आएगी, देन y जो होगा इज इक्वल टू 9λ माइनस का 5 upon λ+1 हो जाएगा, देन लेमडा इज 1/3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 × 1/3 माइनस का 5 upon 1/3 + 1 हो जाएगा। देन बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 से 3 टाइम्स कट गया, देन 3 - 5 इज माइनस का 2 upon, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 + 1 = 4 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -3/2। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -3/2, क्लियर। बात आ गई समझ में,